नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, येलो किचन के डोसा वीक में आज हम बनाने वाले हैं मकई के आटे का डोसा। मक्के के आटे का डोसा जो है दोस्तों, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चे मकई की रोटी खाना पसंद नहीं करते, तो हम उन्हें मकई के आटे से एकदम टेस्टी डोसा बना करके सर्दी के मौसम में हम बच्चों को खिला सकते हैं। चलिए शुरू करें। दोस्तों, यहाँ मकई के आटे का डोसा बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप मकई का आटा और उसमें हम डालेंगे एक चौथाई कप गेहूं का आटा। अब यहाँ मैं बारीक कटा हुआ धनिया, ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक काट के डाल दे रही हूँ। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे यहाँ मैं एक चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालूँगी मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालूँगी मैं यहाँ पर धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी मसालों को आटे में हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें मसालों को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही पानी डालना है कि मसाले हमारे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कप जो है पानी डालूँगी और बैटर में अच्छी तरह से मिलाऊँगी। दोस्तों, मकई के आटे का डोसा बनाकर हम बच्चों को नाश्ते में खिला सकते हैं। ठंडी के मौसम में मकई का आटा बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम मकई के आटे का डोसा बनाएं और बच्चे खाने से बिल्कुल ना नहीं करेंगे, झट से नाश्ता कर लेंगे दोस्तों। तो आप ज़रूर मकई के आटे का डोसा ट्राई करिए। हमें इसका जो है एकदम पतला बैटर तैयार करना है, थिक बैटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा देखिए पतला बैटर बन करके रेडी हो गया है। तो बैटर तैयार हो गया दोस्तों, इसे हम 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। 10 मिनट बाद तवा हम गैस पे चढ़ाएंगे और तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से हम तेल को अच्छी तरह से तवे पर चारों तरफ फैला देंगे। उसके बाद बैटर को हम अच्छी तरह से कलछी से या कटोरी से एकदम तले से उठा करके चलाएँगे और कलछी या कटोरी की सहायता से हम तवे पर बैटर को इस तरह से डालेंगे तो हमारा जालीदार डोसा बनता है दोस्तों। अब किनारों पर मैं थोड़ा सा तेल लगा दे रही हूँ, इससे टेस्ट दुगना बढ़ जाता है और डोसा हमारा बीच में ज़्यादा आंच लगती है, किनारों पे आंच लगती नहीं है। तो हम तवे को थोड़ा गैस पर आंच पे घुमा देंगे तो इस तरह से हमारा डोसा जो है सीख करके रेडी हो गया है। पलटे से अच्छी तरह से धीरे धीरे खोल लीजिए और डोसा हमारा बन करके तैयार हो गया दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही करारा बना है। अब एक डोसा और बना करके दिखा रही हूँ। पहले हम बैटर को अच्छी तरह से चला लेंगे, कलछी में ले लेंगे और तवे के ऊपर हम उड़ेल देंगे। देखिए इस तरह से दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। और मक्के के आटे का डोसा और भी सभी डोसों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में आई बटन में भी दे दूंगी। तो आप भी इस तरह से डोसा वीक के हेल्दी डोसों का एंजॉय लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों।